हारमोनियम म्यूजिक इंस्टीट्यूट कंकरखेड़ा मेरठ से और आप सभी का स्वागत है हमारे म्यूजिकल चैनल पर जिसका नाम है चौधरी ब्रदर्स। और आज मैं आपके लिए एक लेसन लेकर के आया हूँ। बड़ा सिंपल सा लेसन है, बड़ा साधारण सा लेसन है और ये वो लेसन है कि जिसका लगभग लगभग सभी जो म्यूजिक सीखने वाले हैं वो चाहते हैं कि वो हम जरूर बजाएं। नागिन धुन, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं नागिन धुन, दरअसल ये एक पुराना फिल्मी सॉन्ग है, पुराना फिल्मी गीत है, तंडोले मंडोले तेरा तंडोले मेरा मंडोले, उसी का एक म्यूजिक पार्ट है जिसको हम लोग नागिन धुन या लहरा कह करके समझते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई हारमोनियम सीखता है या कीबोर्ड सीखता है या कहीं पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोग उसको यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है सीखने वालों की कि सबसे पहले हम वो जरूर बजाना हमें आए। आइए वो ही एक साधारण सा लेसन मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। और हाँ, एक बात, अगर आप ऑनलाइन म्यूजिक सीखना चाहते हैं, चाहे तबला हो, चाहे हारमोनियम हो या वोकल म्यूजिक हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार जो भी लेसन हम देते हैं उसको सीखते रहें और अपना उसका पूरा पूरा फायदा आप उठाते रहें। आइए सीखते हैं नागिन धुन। इसके स्वरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हम स्केल ले रहे हैं वो पहला काला सी शार्प स्केल से बजा रहे हैं इसको, और इसमें जो स्वर यूज हो रहे हैं वो गा, धा और नी, तीनों स्वर कोमल यूज कर रहे हैं। और ये अगर हम स्वरों के हिसाब से देखें तो आसावरी थाट के अंतर्गत आता है। आइए इसमें सा के बाद जो गा कोमल जो होगा वो ये होगा और धा कोमल ये होगा और नी कोमल ये भी होगा और इधर नीचे हम आएंगे तो नी कोमल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो आइए गा धा नी तीनों स्वर कोमल हैं और आइए शुरू करते हैं। सा से शुरू होगा, सबसे पहली लाइन आप देखिए तीनों स्वर हैं सा गा पा, पहली लाइन अभी हम सीख रहे हैं। इतना पहला पोर्शन है सा गा पा धा पा, पहली लाइन। फिर मैं रिपीट कर देता हूं सा गा पा धा पा धा तीन बार है रे गा मा पा मा गा रे सा सा गा पा धा पा धा पा धा पा रे गा मा लाइनों का फ्रेज ये है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसकी नोटेशन मैं आपको बता दूं रे सा गा सा रे नी सा नी रे सा, ये इतना फ्रेज है, पूरा यही राउंड चलता रहेगा रे सा गा सा रे नी सा नी रे सा गा सा रे नी सा नी। Thank you.
पहली दो लाइनें और तीसरा अलग जो पार्ट है वो यही तीन फ्रेज है जिनको हम नागिन धुन या लहरा कहते हैं। बाकी अगर पूरा सॉन्ग देखें तो पूरे सॉन्ग में तो लिरिक्स हैं और अलग धुन है, लेकिन नागिन धुन या नागिन पार्ट या लहरा हम इसी को कहते हैं और मोस्टली इसी को यूज करते हैं। सभी मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी और आप सीख पाएंगे नागिन धुन बजाना हारमोनियम या कीबोर्ड पर। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।